बोलिए, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ, आपका नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम शुभेंदु पानी है। शुभेंदु पानी? पानी, हाँ जी। अच्छा, कहाँ पर, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आपने कॉल किया मेरे को? कलकत्ता से। कलकत्ता से, हाँ बोले, क्या सवाल है, क्या आपकी इमिग्रेशन प्रॉब्लम क्या है? सर मैं पहले कनाडा में था सर। कितने साल? मैं कनाडा में था 2006 से लेके 2012 तक। कौन से वीजा पे? वर्क परमिट में थे। वर्क परमिट कैसे मिला, LMIA से मिला, वैसे मिला? नहीं, मेरे एजेंट में पकड़ के मिला था सर। Did you say 6 years, 6 साल रहे वर्क परमिट पे आप? हाँ जी। अच्छा, LMIA से वर्क परमिट मिला आपको, क्या जॉब पोजीशन क्या थी आपकी? कुक की था। कुक की थी, कहाँ पर, कहाँ पर काम करते थे, किस प्रोविंस में? मिसिसागा पे। अच्छा ठीक है, तो फिर वापस कैसे आ गए आप, अपनी मर्जी से आए कि कुछ प्रॉब्लम? नहीं, नहीं सर, मेरे को वीसा नहीं मिला, फिर मेरे को आपको सामने पड़ा, कंपनी भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया, लेकिन वीसा नहीं मिला। नहीं नहीं, व्हाट डू यू मीन वीजा नहीं मिला? आपके पास वर्क परमिट था, आप 6 साल से काम कर रहे थे, आपने आगे एक्सटेंड भी किया हुआ एक आध बार, तो आपको वीजा नहीं मिला क्या? मतलब कि 2012 के बाद वीजा खत्म हो गया, एक्सटेंड नहीं हुआ, पीआर नहीं हुआ? 2010 में खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर 2012 कैसे रुक गया, 2 साल कैसे रुक गया एक्स्ट्रा? 2 साल रुक गया, मतलब कंपनी आजकल कर देगा बोल के मेरे को 2 साल ऐसा ही कर दिया। तो 2 साल आप ओवरस्टे कर गए, इलीगल रह गए? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर अपनी मर्जी से आप टिकट लेकर आ गए, किसी ने, उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं किया? नहीं सर। ओके, तो नो प्रॉब्लम। अभी क्या कर रहे हो यहाँ पर? अभी एक इधर कलकत्ता में थोड़ा होटल पे जॉब कर रहा हूँ सर, एज ए कुक। हाँ जी, ठीक है। एज कितनी है अपनी जी? एज उम्र 43 है। 43 है, ठीक है, समझ गया मैं। अब बोलो, सवाल क्या है आपको, मेरे से क्या पूछना है? हाँ सर, सर मैं कंपनी से अप्लाई किया था सर, कनाडा के लिए वीजा के लिए। कंपनी से अप्लाई किया? कौन सी कंपनी से अप्लाई किया वीजा के लिए? वो 7 इसके ऊपर से। ये लोग कंपनी कौन है, कोई लॉयर है, कंसल्टेंट है, एजेंट है, कौन है लोग? कौन एजेंट है? कहां पर है? ओ 7 इसके ऊपर चंडीगढ़। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? वो लोग कह रहे हैं जे मेरे को अप्रूवल लेटर भेजा था मुझे, तो अप्रूवल लेटर में सिग्नेचर और फोटो चिपका के मैंने भेज दिया। ओके, तो अभी वो उन्होंने बोल रहा है मेरे को जे मेरे को जॉब लेटर आ गया, आपको 10,500 रुपया पे करना है। नहीं 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 नहीं, पहले आपने जो जॉब ऑफर लेटर उन्होंने आपको दिया, आपने मेरे को दिखाया क्या, व्हाट्सएप पे भेजा? नहीं, जॉब ऑफर लेटर नहीं भेजा मुझे को। अच्छा नहीं भेजा, तो कोई बात नहीं, आप रहने दो, भेजने की जरूरत भी नहीं है। तो ये लोग जो मैंने इस बारे में कई वीडियोस बना चुके हैं, भाई आप कनाडा में कुछ टाइम रह के भी आ गए, अब फिर भी आप इन लोगों के झांसे में आ रहे हो। कोई भी पहले जो जॉब ऑफर देगा, चाहे उसका ऑफिस चंडीगढ़ में है या कहीं और भी है, उसको पहले आपको LMIA देगा, तब जाके आपकी तसल्ली होगी कि जॉब असली है। बगैर LMIA के कोई भी जॉब ऑफर में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, और ये आपको पैसे खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल उन लोगों को आप ये पूछें कि मेरे को LMIA की कॉपी दें, दूसरा हमें एक जॉब ऑफर की कॉपी दें। दोनों को हम पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे, मालिक को भी, जो एम्प्लॉयर है उसको भी कॉल करके पहले कंफर्म करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वाकई सही है, उसके बाद हम कोई फीस वगैरह की बात करेंगे। उसके बगैर आप अपने पैसे कृपा करके ना फंसाएं कहीं भी। ठीक है, थैंक यू सर। वही वही इसलिए सर इसलिए मैं आपको पूछ रहा था, आप कुछ का प्रॉब्लम नहीं है ना सर? हैं, मैं आपसे पूछा कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या सर? नहीं, प्रॉब्लम तो मेरे को दिख रही है आपके केस में, प्रॉब्लम ये दिख रही है कि एक तो जो ये ऑफर वगैरह दे रहे हैं तो ये असली नहीं हो सकती। नहीं सर, आप मुझे, मैं पूछ रहा है, आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या सर? मेरा? हाँ जी। किस तरह का? नहीं, आपको जो मैं पूछ रहा हूँ ये बात, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना सर? नहीं नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुने मेरी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 2010 में आपका वर्क परमिट खत्म हो गया और आप 2 साल ओवरस्टे कर लेकर आए हो वहां पर, ये प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको असली जॉब भी मिल जाएगी तो आपको दोबारा से यहां से वर्क वीजा करने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप 2 साल इलीगल रहकर आए हो। क्लियर है? हाँ।
तो इट डज नॉट मैटर कि कौन आपको जॉब दे रहा है नहीं दे रहा है, चाहे तो कनाडा से दोबारा जॉब दे, वही मालिक दोबारा भी जॉब दे आपको, ये आपको जो न्यू दिल्ली हाई कमीशन वाले वीजा देने में प्रॉब्लम करेंगे, और हो सकता है कि वीजा ना दे क्योंकि आप 2 साल ओवरस्टे करके आए हो। हाँ जी, तो इसलिए मैं आपको एक राय देता हूँ कि आप कनाडा का सपना मत लो, अभी कहीं जाना कहीं और कंट्री चले जाओ, कहीं और जॉब अगर किसी और कंट्री मिलता चले जाओ, अभी कनाडा का आपका फ्यूचर मतलब खतरे में है आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 साल ओवरस्टे करके आए हो। लेकिन मेरा दोस्त तो गया सर अभी। अच्छा हाँ, दोस्त अभी मेरा दोस्त गया, वो भी 2 साल ओवरस्टे कर गया। अच्छा, था भाई तो बड़े बड़े लकी है। वो अभी 1 साल हो गया चला गया। अच्छा 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 अच्छा, तो वो भी ओवरस्टे करके आया था। वो भी ओवरस्टे होकर आया था। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो बहुत भाई उसको बड़ी उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था एम्बेसी में जब ओवर स्टे किया था, फिर उधर दिल्ली एम्बेसी में पेपर भेजा, दिल्ली एम्बेसी कनाडा एम्बेसी को भेजा, फिर उधर से पेपर आ गया, फिर उसको छोड़ दिया एम्बेसी में, तब कहता है दिल्ली में छोड़ दिया। कोई इंटरव्यू वगैरह लिया नहीं उन्होंने? इंटरव्यू वगैरह लिया कुछ नहीं लिया। बड़ी 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 हेल्प वाली। वो ऑलरेडी आने का टाइम उधर लॉयर से सारे पेपर देके सारे ये करके आया था। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है। अच्छा, लेकिन वो आपने अच्छा वहीं से पेपर वगैरह लेकर आया था, फिर दोबारा यहाँ आने के बाद फिर दोबारा गया? उधर पेपर देके आया था। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई ना कोई उसको क्रेडिट मिला होगा, कुछ ना कुछ फाइल में ऐसी कुछ चीज होगी। लेकिन फॉर श्योर अगर ओवरस्टे करते हो तो उसकी कोई ना कोई पेनल्टी तो जरूर होगी। पता नहीं उन्होंने डिस्क्लोज किया कि नहीं है, आई एम श्योर कि वीजा ऑफिसर को पता लग गया होगा उसकी क्लाइंट आईडी से, वो उन्होंने क्यों एग्जम्पशन कर दिया, कैसे कर दिया, डेफिनेटली कोई ना कोई बात जरूर है। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है उसकी फाइल देखने का, अगर उसको कोई मेरे को कुछ देखने को कुछ मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन अगर चला गया ही इज देयर सो बी इट। पर डेफिनेटली अगर कोई भी इंसान ओवरस्टे करता है, चाहे स्टूडेंट है चाहे वर्कर है, और उसका उसका आपकी इमिग्रेशन फाइल पे नेगेटिव असर पड़ेगा ही, 100% पड़ता है। किसी को क्रेडिट मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, यू नो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ देयर ओन सिचुएशन के अंदर, और क्या क्या है उसके अंदर क्या हो रहा है। और बोले तो सर मुझे एलएमओ मांगना है और क्या बोला, जॉब ऑफर लेटर। हाँ, आपको आपको उन एजेंटों से मांगना है LMIA दें और जॉब ऑफर लेटर दें जिसमें के मालिक के साइन है और आपके साइन होंगे, तो उससे कंफर्म होगा कि भाई ये जॉब असली है, इसमें तनख्वाह कितनी है, वेजेस का बेनिफिट क्या है, और इसमें और कंडीशंस जो हैं, कितने घंटे काम करना वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ लिखा होता है इसमें, तो उससे आपको फिर LMIA से मैच करने के बाद पता लगेगा कि हाँ भाई पेपर वर्क असली है। LMIA के ऊपर एक ट्रैकिंग नंबर, एक फाइल नंबर लिखा होता है, वो भी हम सर्विस कैनेडा को कॉल करके कन्फर्म कर सकते हैं कि वाकई LMIA प्रॉपरली इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर वो बोल रहा है, लेकिन आपका जो जॉब ऑफर लेटर है वो उधर दिल्ली कनाडा एम्बेसी को पे करना हुआ, तो इसलिए हमको पे करना पड़ा वो उधर, तो आप मैं जॉब ऑफर लेटर आएगा तो मुझे इधर से पे करना पड़ेगा। नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये प्रोसीजर नहीं है, जो कनाडा का जो वर्क परमिट सिस्टम का प्रोसीजर नहीं है, जो LMIA जो करता है वो मालिक करता है, जो एम्प्लॉयर जो है वो करता है, तो वहां जो भी उनकी फीस लगती होगी, जो भी उसने एडवर्टाइजिंग की खर्चा $1,000 फीस दी, जो भी कुछ है, वो तो चीज खत्म हो गई, तभी जाके LMIA इशू होता है। तो इसमें एक दो महीने, तीन चार महीने, दो भी आप मान लीजिए 3 महीने लगेंगे इसमें। जब LMIA एक बार इशू हो गया, उसके बाद किसी को पैसे नहीं देना, हाई कमीशन कोई पैसे नहीं लेगी और कोई पैसे लेता नहीं है, क्योंकि LMIA एक बार इशू हो गया, डेट इज इट। और जब आप वर्क परमिट एप्लीकेशन यहाँ से अप्लाई करें, जब वर्क वीजा की एप्लीकेशन जब फॉर्म 1295 फिल अप करके आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आपकी जो फीस लगनी है, $255 फीस लगनी है, मेडिकल होना है और PCC होना है, खर्चा बस इतना ही है, और किसी भी ऑफिस ने, स्पेशली हाई कमीशन ने या किसी और ने पैसे मांगने की गुंजाइश नहीं है, कोई मांगता नहीं है और ना मांगने चाहिए। हाँ, एजेंट जो आपको जॉब दिलवा रहा है उसकी कोई सर्विस फीस हो सकती है, पता नहीं कितनी फीस है, क्या आपकी डीलिंग है, वो एक अलग बात है, उसको वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले तो है कि LMIA और जॉब ऑफर पहले असली वेरीफाई होगा, तब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज सब नकली है। तो सर उससे मैं कॉपी मंगा रहा था। हाँ, वो उसने बोला मैं कॉपी दे नहीं सकता, आप जब तक मेरे को पे नहीं कर सकता है मैं कॉपी नहीं भेज सकता हूँ। बस तो फिर ये है कि पैसे एक बार पे कर दिए, उसके बाद अगर कॉपी नहीं आई या कॉपी नकली निकली तो पैसे गए।
हाँ जी हाँ, तो बस आप खुद समझदार हो, देख लो क्या करना है आपको। सर, आप कुछ कह सकते हैं क्या सर, कनाडा के लिए जाने के लिए सर? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो लीगल एप्लीकेशन करता हूँ, मैं जॉब अरेंज नहीं कर सकता। मैं तो ज़्यादा ज़्यादा आजकल जो मेरे पास केसेस बहुत सारे जो हैं वो हैं मैरिज बेस्ड एप्लीकेशन मेरे पास है ज़्यादा। तो जॉब जॉब ऑफर का काम मैंने पहले भी नहीं किया और आज भी नहीं करता हूँ, और ना मेरे को करने की ज़रूरत है, वो उसमें सब पैसे चलते हैं तो मैं से दूर रहता हूँ थोड़ा सा। सर स्टडी वीजा करते हैं क्या सर? स्टडी वीज़ा मैं नहीं, वो भी नहीं करता हूँ मैं। स्टडी वीज़ा की जिसका लग जाता है उनका मैं स्पाउस वीज़ा करता हूँ, जिनकी अपील करनी है दोबारा करना है। बाकी स्टडी वीज़ा तो बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है, एडमिशन लो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा मैं रूटीन काम से दूर रहता हूँ, मैं काम वो ज़्यादा करता हूँ जहाँ पर अपील और लिटिगेशन है, वो ज़्यादा करता हूँ। आपका सर वही ब्लू टूर में मिला था सर, इसलिए मैं आपका थोड़ा बात करने थे, थोड़ा ये था, मैं बोला ठीक है चलो बात से बात कर। कहाँ पर मिले थे आप? यूट्यूब में? अच्छा यूट्यूब, अच्छा सॉरी, मैं कौन से ग्रुप में मिले थे? नहीं यूट्यूब, नहीं नहीं यूट्यूब में आपको देखा सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोलकाता में कभी आया नहीं हूँ एक्चुअली, बहुत साल पहले मैं यहाँ से हावड़ा से, सॉरी जो आपका वो है, दिखा इट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड डमडम एयरपोर्ट और व्हाटएवर दैट कॉल, आई फॉरगॉट द नेम, क्या उसको क्या क्या था उसका नाम। मैं एक बार पास जरूर हुआ वहां से, बाकी मेरे को। दीघा आए थे क्या? दीघा, हाँ जी, हावड़ा से दीघा आए थे? दीघा, मेरे को अब याद नहीं है ब्रदर, इट्स बीन मेरे को कम से कम 18-20 साल की बात है। एक बार मैं पास जरूर हुआ था वहां से, मैं ढाका जा रहा था एक्चुअली, ढाका उतर के वहां से ढाका की फ्लाइट ली थी वहां से। हाँ हाँ बाजू में जी, हाँ जी, तो बाकी कभी आना आने, और जबकि मेरे काफी कुछ जहाँ पर मैं रहता हूँ एडमंटन में, वहां पर मेरे बंगाली भी 3-4 फ्रेंड्स हैं, ओके okay. तो होपफुली वन डे समडे। ठीक है सब सर, उससे मेरे को एलोमो और जॉब ऑफर लेटर हाँ जी, हाँ जी, तो ही दोनों मंगाना है। दोनों मंगाना है, दोनों मंगाना है, फिर जाके कुछ बात होगी। कॉपी ओके थैंक यू, उसे कॉपी ले लेना सर। बहुत है, कॉपी से काफी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, ओरिजिनल तो वो देने से रहे। हाँ हाँ जी तो, जी, आप कैसे करते हैं ओके सर। पाउच वीजा आप कैसे करते हैं सर? क्या कह रहे हैं? पाउच वीजा कैसे कर स्पाउस वीजा मैं उनका करता हूँ जो ऑलरेडी स्टडी वीजा पे कनाडा में है या ऑलरेडी वर्क वीजा पे है, उनके स्पाउस यहाँ पर रह गए, उनका रिफ्यूज हो गया, तो उसके लिए मैं करता हूँ। सॉरी, थैंक यू सर। सर थैंक यू, अभी देखते हैं। सर सर कभी भी आपसे बात कर सकता हूँ सर? बात कर ले कभी भी, लेकिन मैंने आपके काफी डाउट क्लियर कर दिए, तो आप पहले जॉब ऑफर और LMI लिए, फिर आगे कुछ बात हो पाएगी, बदल उससे पहले तो कोई बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बाय बाय, यू, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, थैंक यू। मैं पंजाब